असली शिवसेना किसकी है? इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र में दशहरे के पावन पर्व पर शाम को एक शक्ति प्रदर्शन हुआ। शिवसेना के इतिहास में पहली बार मुंबई में दो दो दशहरा रैलियां हुई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दोनों ही गुटों का मकसद एक था, अपने अपने गुट को असली शिवसेना बताना। लेकिन यह तय कैसे हो कि किसकी रैली ज्यादा दमदार थी? इसके लिए दोनों ही रैलियों में भीड़ को लेकर दावे किए गए। हम आपको दिखाते हैं भीड़ के अलावा वो कौन। इस दावे को उद्धव गुट खारिज कर रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें दावा किया जा रहा है कि शिंदे की रैली में उनका भाषण सुनने से पहले ही आधे से ज्यादा लोग चले गए, जबकि उद्धव की रैली में महाराष्ट्र के गांव-गांव से आए समर्थक आखिरी समय तक मौजूद रहे। उद्धव और शिंदे के भाषणों की चर्चा भी जोरों पर है। उद्धव ने कहा, शिवसैनिक कटप्पा को माफ नहीं करेंगे। एकनाथ बोले, हमने गद्दारी नहीं गदर किया। उद्धव ने कहा, इस बार का रावण अलग है, इस बार 50 खोके करोड़ का खोकासुर है। शिंदे ने जवाब दिया, हमें गद्दार और खोकासुर कहा गया। हाँ, गद्दारी हुई है। वो गद्दारी 2019 में हुई, जब बाला साहब के विचारों से गद्दारी कर महाविकास आघाड़ी बनाई गई। ज्यावेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली, ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसून पुसता येणार नाही। पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही। गद्दार गद्दारी झाली, पण गद्दारी झाली ती 2019 ला गद्दारी झाली। ज्या निवडणुका आपण लढवल्या, त्या निवडणुका लढवल्यानंतर जी आघाडी केली, त्याच वेळेस गद्दारी झाली। होय, शिंदे और उद्धव गुट के बीच पार्टी को छीनने की लड़ाई है, विधायकों सांसदों कार्यकर्ताओं को छीनने की लड़ाई है, विचारधारा को भी छीनने की लड़ाई है। अब तक की लड़ाई में शिंदे उद्धव पर भारी पड़े हैं, अब विचारधारा को छीनने की जंग तेज हो गई है। दोनों के मंच की तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहले एकनाथ शिंदे के मंच पर नजर डालिए, इसमें बाला साहेब ठाकरे हैं, आनंद दिघे हैं, जिन्हें बाला साहेब ने कार्यकर्ता बनाया और फिर उनका कद उनके बराबर का होने लगा। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ठाणे का होने की वजह से शिंदे के राजनीतिक गुरु हैं। इसके अलावा शिंदे के मंच पर हिंदुत्व का नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। दूसरी तरफ उद्धव गुट के मंच पर बाला साहब के अलावा उद्धव और आदित्य की तस्वीरें हैं, लेकिन भगवा रंग के अलावा हिंदुत्व का कोई नारा नहीं है। विधायकों के संख्या बल की बात करें तो शिंदे के मंच पर उनके तमाम समर्थक विधायक मौजूद थे। उन्होंने शिंदे को 15 फीट लंबी तलवार भेंट की। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के मंच पर वो गहमा गहमी, वो रौनक नजर नहीं आई। उनके कुछ गिने चुने समर्थक साथ मौजूद थे। हाथ से सत्ता निकलने का असर साफ तौर पर दिख रहा था। एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होने के बाद पहले ही दशहरा रैली थी, और इस पहली दशहरा रैली में ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना ने दशहरा रैली में शिवाजी पार्क में जो भीड़ इस साल जुटाई थी वो इससे पहले सालों में नहीं थी। यानी कि कई लोग जो है उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क की रैली में आए, लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या शिवसेना में उद्धव ठाकरे की कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलए जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। लेकिन फिर भी लोगों का आशीर्वाद क्या उद्धव ठाकरे के साथ है या नहीं, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सिर्फ संख्या बल और विचारधारा के मोर्चे पर ही नहीं, ठाकरे परिवार के मोर्चे पर भी चुनौती दे दी। जयदेव ठाकरे व उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे को अपने साथ लाने में कामयाब हुए। जयदेव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के तीन बेटों में दूसरे नंबर पर हैं। जयदेव ने एकनाथ शिंदे को अपना पूरा समर्थन किया और कहा कि वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और इस वजह से ही उन्होंने उनका साथ दिया है। सिर्फ जयदेव ठाकरे ही नहीं, एकनाथ शिंदे के मंच पर जयदेव की पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे भी आई।
उनके साथ बालासाहेब ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे भी आए। इन्हें अपने मंच पर जुटाकर शिंदे ने उद्धव को दिखाया कि ठाकरे परिवार में उद्धव और आदित्य के अलावा बाकी सारे सदस्य उनके साथ हैं। कल एकनाथ शिंदे के रैली में उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे, उनकी पत्नी स्मिता ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई के बेटे दिखाई दिए। कहीं ना कहीं जब से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं, उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि बालासाहेब ठाकरे का नाम एकनाथ शिंदे इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो पिता है उनका नाम और काम चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे ने जो करीबी परिवार वालों को उद्धव ठाकरे के अपने स्टेज पर बुलाया था दशहरा रैली में, वो ये बताने के लिए था कि ठाकरे परिवार के कुछ ऐसे भी फैमिली मेंबर्स हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ है, यानी कि बालासाहेब ठाकरे के परिवार का आशीर्वाद उनके जो शिवसेना है उसके साथ भी है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश दशहरा रैली में की गई। बाल ठाकरे के तीन बेटे हुए बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव। बिंदु माधव की मौत एक हादसे में हो गई। जयदेव के साथ परिवार के रिश्ते ठीक नहीं थे और वो अलग रहते हैं। बाल ठाकरे अपनी ज्यादातर संपत्ति उद्धव के नाम कर गए थे, मातोश्री बंगाल भी उनके नाम कर दिया था। बिंदु माधव के बेटे निहार शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी से एक और शख्स ने राजनीति में कदम रख दिया है, तो जयदेव, स्मिता और निहार को अपने साथ मंच पर लाकर शिंदे ने उद्धव को एक और बड़ा झटका दिया है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।